नमस्कार जी, राजस्थान के फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत स्वागत है और आप लोगों के साथ इस वक्त मैं आयुषी नेगी सीधा लाइव जुड़ रही हूं। एक महत्वपूर्ण खबर के साथ मैं आप लोगों के साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हूं। कोशिश ही कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग मेरे साथ यहां पर जुड़े ताकि जो हमारी आज की महत्वपूर्ण खबर है उस पर हम लोग चर्चा कर सके। तो चलिए इस वक्त मैं आपको बता दूं कि लगातार एक बड़ा फैसला फिलहाल सरकार की तरफ से लिया गया है। जिस तरीके से अनुमान जताया जा रहा था और कई दिनों से मांग भी की जा रही थी कि जो इन शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाए, क्योंकि देखिए कोरोना काल में सबसे ज्यादा बच्चों की परीक्षा प्रभावित हुई थी, तो लगातार ये मांग की जा रही थी कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इसलिए एक बड़ा फैसला फिलहाल सरकार की तरफ से लिया गया है। मैं चाहूंगी कि बड़ी संख्या में लोग मेरे साथ जुड़े और लोगों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कान सिंह राजपुरोहित जी हेलो, प्रधान सुदेश बिश्नोई जी हेलो, हाय हाउ आर यू, केशवराम जी पूछ रहे हैं। केशवराम जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? संदीप कुमार जी हेलो, हाय कैसे हैं आप? रोहित शर्मा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो देखिए लोगों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। गिरीश जी हाय, जसा जी गुड इवनिंग। सीबीएसई की तरफ से एक बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं सीबीएसई की, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। जो 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी सीबीएसई की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री लगातार बैठक करते आ रहे थे और आज भी एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री का यह कहना है कि बच्चों की जो सुरक्षा है और जो स्वास्थ्य है उसे प्राथमिकता सरकार की तरफ से दिया जाएगा और इसलिए इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब जो बच्चे हैं उन्हें प्रमोट आगे किया जाएगा और उसके लिए निर्देश प्रधानमंत्री ने जो तमाम अधिकारी हैं उन्हें दे दिया है कि जो तय मानक है उनके अनुसार अब जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आगे बनाया जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है और इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कई दिनों से जो मेरे साथ लोग जुड़ रहे थे, जैसे कि आप सभी लोग जुड़ते हैं, तो कई दिनों से आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि परीक्षाओं को लेकर सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। अगर आप में से कोई भी सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी हैं, 12वीं बोर्ड के जो परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि साफ तौर पर बच्चों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि कोरोना की जो स्थिति बनी हुई है उसमें वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और इसलिए परीक्षाओं को रद्द करवाया जाए। तो एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और देखिए बड़ी बैठक की गई थी क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और तीसरी लहर आना अभी बाकी है और तीसरी लहर में ये माना जा रहा है कि बच्चों पर सबसे ज्यादा ये असर करेगी और इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपनी बैठक में किया। उनका कहना है कि देखिए बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तीसरी लहर आने वाली है और बच्चे है जो इससे प्रभावित ना हो, इसलिए कोशिश यही की जा रही थी कि कैसे भी करके जो उनकी परीक्षाएं हैं उन पर कोई बड़ा फैसला लिया जाए और इसलिए ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। अब देखिए अब क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फैसला है वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है। इससे पहले अब आरबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं, इनके बारे में भी लोग काफी जानना चाहते हैं। होशियार बच्चों का मनोबल गिराने वाला फैसला है ये, भागाराम जी ये बोल रहे हैं। आरबीएसई की परीक्षा को लेकर ये है क्योंकि इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा थे जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना था जब इससे पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो होना तय है, यानी कि आने वाले समय में बोर्ड की परीक्षाएं 12वीं की परीक्षाएं वो करवा सकते हैं। लेकिन अब जब सीबीएसई ने यह फैसला लिया है उसके बाद क्या किसी प्रकार का चेंज परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कमेटी बनाई गई है राजस्थान के शिक्षा विभाग की तरफ से, जो कमेटी एक रिपोर्ट यहां पर बनाएगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी शिक्षा विभाग को, जो हमारे सीएम है उन्हें, और उसके बाद जो फैसला होगा वो सरकार की तरफ से लिया जाएगा कि आरबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं करवानी है या नहीं, राजस्थान जो माध्यमिक बोर्ड है उसकी परीक्षा करवानी है नहीं, क्योंकि कई दिनों से जो छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षाओं को स्थगित करवाया जाए। तो ये एक वक्त की बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए इसे, क्योंकि जो बच्चे थे वो काफी चिंतित थे कि आखिरकार आगे आने वाले समय में होगी कि नहीं परीक्षाएं, प्रमोट बच्चों को किया जाएगा। टेंथ के एग्जाम के बारे में बताओ मैम, टेंथ की परीक्षाएं तो पहले ही स्थगित कर दी गई थी ओम प्रकाश जी, अब आने वाले
समय में उनको कैसे आगे पास किया जाएगा, कैसे आगे प्रमोट उन्हें किया जाएगा, इसके बारे में अब सरकार की तरफ से आगे यानी कि 15 दिन बाद बताया जाएगा। जैसे मैं आपको बता रही हूं कि एक कमेटी का गठन फिलहाल हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से, हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से किया गया है, शिक्षा मंत्री की तरफ से किया गया है, और वो कमेटी अब पूरी रिपोर्ट सौंपेगी 15 दिन के बाद। और उसके बाद ही जो उच्च शिक्षा की परीक्षाएं हैं, जैसे कि कॉलेज की परीक्षाएं हैं, यूजी पीजी रीट की परीक्षा है, और जो भी स्कूल की परीक्षाएं हैं उनके बारे में फैसला लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए। यही आज की खबर थी, जो महत्वपूर्ण खबर थी, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए काफी चिंतित वो थे। अब आप लोग आराम से, अब जो भी आगे आपका फ्यूचर है, आगे जो फ्यूचर की पढ़ाई है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अब प्रमोट किस हिसाब से किया जाएगा इसके बारे में भी जल्द ही सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए।